पिछले दिनों याश और ताऊते तूफान के चलते जनपद में जमकर बारिश हुई थी, जिसमें मई माह के तापमान में भी भारी गिरावट आई। लगातार तपने वाला मई माह औसत से भी ठंडा रहा। मंगलवार की सुबह 11 बजे से अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और दिन में ही अंधेरा छा गया। इसके साथ लोगों को गाड़ियों के हेडलाइट जलाना पड़ा। आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई। इससे गर्मी से बेचैन लोगों को भारी राहत मिली। इस संबंध में आपदा प्रबंध प्राधिकरण में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि आने वाले कुछ दिन इसी तरह बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो हम लोगों को फोरकास्ट जारी किया गया था, दो दिन पहले इस तरह का एक फोरकास्ट हमें प्राप्त हुआ था कि आगामी 1, 2 और 3 तारीख को झोंकेदार हवा चलेगी और कुछ जगहों पर बारिश भी होगी। तो ये उसी का वो परिणाम है। और आज हमें नॉकास्ट भी मिला था जिसमें ये बताया गया था कि अगले 3 घंटे के अंदर इस तरह का वर्षा का प्रेशर बनेगा। तो ये अभी अगले संभवतः ये है कि आज और कल परसों 2 दिन और ये इस तरह का प्रेशर बना रहेगा।